हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 25th करेंगे, 27 अक्टूबर की सोशल साइंस क्लास 7th की। आज हम मुगल एम्पायर में जहांगीर के बारे में जानेंगे। मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यू, जो कि मिलिट्री कैंपेन्स थे जो कि अकबर ने शुरू किए थे वो चलते गए। जो सिसोदिया रूलर थे मेवार, अमर सिंह एक्सेप्टेड जो मुगल सर्विस थी। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स जो थे वो सिख, अहोम और अहमदनगर ने फॉलोड किए। प्रिंस खुर्रम जो थे वो फ्यूचर एम्परर थे शाहजहां के, रिबेल इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज सीजन, जिन्होंने अपने लास्ट साल में लड़ाई बहुत सारी की। अब ड्यूरिंग हिज रीजन, जब जहांगीर राज कर रहे थे तो उन्होंने ड्राइंग और आर्ट्स में बहुत अच्छा कब्जा किया, उन्हें चीजें अच्छी लगती थी। जो नूरजहां थे उनका बहुत ही बड़ा प्रभाव था जहांगीर के महल में। तो उनकी क्या प्रभाव था, ये ही एक ऐसी मुगल एम्प्रेस थी, रानी थी, टू हैव कॉइनेज एम्बोस्डर नेम। तो जिन्होंने क्या किया, ये जो थी नूरजहां, ये वाइफ थी किसकी, ये जो थी ये वाइफ थी किसकी, मुगल एम्परर जहांगीर की। तो ये जो थी इन्होंने क्या किया, ये बहुत जानी जाती थी और ये ऐसी रानी थी जिन्होंने अपने जो नाम था उसके ऊपर एक सिक्का बनवाया था उभरा हुआ। अब आगे चलते हैं, शाहजहां। मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डक्कन अंडर शाहजहां, जो मुगल के कैंपेन्स थे वो चालू रहे डक्कन में जो कि शाहजहां के अंदर चले। ये भी एक अफगान नोबल खान जहां लोडी के संग इन्होंने लड़ाई की और ये हार गए। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर, अहमदनगर के खिलाफ, बुंदेलास के खिलाफ, ये जो थे इन्होंने इनको डिफीट किया एंड ओरछा को जीत लिया। इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन जो था बल्क वॉर फ्रॉम द उज़्बेक्स वाज अनसक्सेसफुल, ये अनसक्सेसफुल रहा और खंडर वॉज लॉस्ट टू द सफाविड्स, और जो सफाविड्स से उनसे खंडर हार गए। इन 1632 जो अहमदनगर था आखिरकार कब्जे में आ ही गया एंड जो बीजापुर फोर्सेस थी उनको भी शांति की तरफ कर दिया गया। इन 1657 टू 1658 देयर वर कॉन्फ्लिक्ट, अब उनके जो बेटे थे उनके बीच लड़ाई होने लगी, किसके लिए, राज्य के लिए। औरंगजेब वॉज विक्टोरियस, जो औरंगजेब थे वो बहुत ही ताकतवर थे और जीते। एंड इस थ्री और ब्रदर्स जो थे दारा शोको ये सब जो थे मारे गए, उन्होंने इन सबको मार दिया औरंगजेब ने। अब औरंगजेब थे कौन, औरंगजेब जो थे ये जो थे ये बहुत ही खतरनाक रिबेलियन थे, इन्होंने बहुत ही लोगों को मारा था और इन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी सिख से, जाट से और सतमानिस से, और इनने नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स और डिक्कन से महाराष्ट्र में क्या करी लड़ाई। कैंपेन्स जो थे नॉर्थ वेस्ट के यूसुफजाई और सिख्स के खिलाफ इन्होंने जीता उनको, और इनकी जो डेथ थी वो फॉलोड हुई सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट हिज सन, और इनके सन्स जो थे उनके बीच में लड़ाई के कारण ये भी शाहजहां की तरह मारे गए। विद द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के मारे जाने के बाद द डिस्टिंग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर बिगेन, जो खत्म होने की शुरुआत थी मुगल एम्पायर की वो शुरू हो गई। अब जो मुगल एम्पायर था वो अपने वीक रूलर्स के संग खत्म होने जा रहा था। आगे एक्टिविटी वन, सबसे पहले एक्टिविटी करेंगे। जो मुगल एम्परर शाहजहां थे ये जाने जाते थे फॉर एन अचीवमेंट इन आर्किटेक्चर, ये अपनी बिल्डिंग्स के लिए जाने जाते थे। अब आप कुछ इंफॉर्मेशन करेक्ट करें अबाउट सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद देम। द फेम ऑफ द मुगल एम्परर शाहजहां हैज ऑल्सो बीन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ही हैड द गुड नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड द ब्यूटिफुल मोती मस्जिद वॉज ऑल्सो बिल्ट बाय द शाहजहां एंड एज द नेम सजेस्ट दिस मस्जिद शाइंस लाइक अ पर्ल। एक्टिविटी टू है, सपोज यू आर अ मुगल एम्परर, आप एक मुगल एम्परर हैं, अब आप क्या स्टेप लेंगे फॉर द वॉर ऑफ सक्सेशन कन्फ्लिक्ट, कि जो जो लड़ाई हुई थी उनके बेटों के बीच उससे बचने के लिए। तो अगर मैं एक मुगल एम्परर हूँ, आई वुड हैव डिवाइडेड द
प्रॉपर्टी इक्वल अमंग बाय ऑल सन्स, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड करूंगा सभी सन्स में, सो जिससे कोई लड़ाई ना हो। अब आगे आंसर करना है क्वेश्चन का, आपको एक नोट लिखना है ऑन द मिलिट्री कैंपेन ऑफ शाहजहां। तो फर्स्ट पॉइंट, मुगल कैंपेन कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां, द अफगान नोबल खान जहां लोडी रिबेलियन वॉज डिफीटेड। सेकेंड, द बुंदेलाज वर डिफीटेड एंड द ओरछा सीज्ड। इन द नॉर्थ वेस्ट, द कैंपेन सीज टू बल्क फ्रॉम द उज़्बेक वॉज अनसक्सेसफुल एंड द खंडर वॉज लॉस्ट टू द सफाविस। इन 1632, अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्सेस सूड फॉर पीस। तो आप ये सभी मेंशन करेंगे। अब आगे क्वेश्चन, आगे आपके ट्रू फॉल्स हैं। अब नूरजहां वॉज द वाइफ ऑफ शाहजहां, वो वाइफ थी शाहजहां की? नहीं, वो जहांगीर की वाइफ थी, फॉल्स आएगा। औरंगजेब वॉज द सन ऑफ जहांगीर, नो, वो शाहजहां के सन थे। तो बच्चों आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।